रतिया इलाके की डिब्बा कॉलोनी में लोगों ने एक युवक को मकान से सामान चोरी करते काबू किया। लोगों का कहना था कि चोर के साथ उसका एक अन्य साथी भी था, लेकिन वह भाग निकला। मोहल्ला वासियों ने चोरी के आरोपी युवक को उसकी बाइक सहित पकड़ लिया। मोहल्ला वासियों के द्वारा जब मामले की सूचना पुलिस को दी गई तो मौके पर पुलिस पहुंची और मोहल्ला वासियों में जमकर बहस हो गई। मौके पर मौजूद पुलिसकर्मी का कहना था कि चोर के साथ मारपीट की गई है और इसको लेकर मोहल्ला वासियों पर भी मामला दर्ज किया जाएगा। इस बात को लेकर मोहल्ला वासी भड़क गए और पुलिस के साथ जमकर तू तड़ाक हुई, जिसकी एक वीडियो भी सामने आई है। आपकी जो बॉडी है सारे यही बोलेंगे, आपके खिलाफ ही बच्चा होगा। बॉडी कर लिया अनपढ़ नहीं खड़े आपके सामने, मोहल्ला वासियों का आरोप है कि पुलिस चोर का पक्ष ले रही थी। मामला 9/4 गली का है जी, वहाँ चोरी हुई है, पुलिस वालों को बुलाया गया है, उनका चोरी का मोटरसाइकिल भी खड़ा है चोरों का। उल्टा पुलिस हमारे ऊपर कार्रवाई करने को तैयार है कि आपने चोर को मारा है, हम आपके ऊपर FIR दर्ज कराएंगे कि आपने उसकी टांग तोड़ी है, जबकि उसको छुआ ही नहीं। जहाँ तक लगता है पुलिस भी उनके साथ मिली हुई है, और ना तो ये उसके ऊपर कार्रवाई करना चाहते हैं और हमारे ऊपर कार्रवाई, उल्टा हमारे ऊपर कार्रवाई करने को तैयार है। मोटरसाइकिल हमारे प्लाट में खड़ा है, हमने मोटरसाइकिल दिया नहीं और हमारे को पुलिस के ऊपर कोई विश्वास नहीं। हम SP की बदौलत मोटरसाइकिल सुपुर्द करेंगे और इस पुलिस के ऊपर भी हम कार्रवाई करना चाहते हैं, जो मौके पे महेंद्र सिंह नाम का की मोशन दी। उन्होंने क्या कहा था? वो कहते हैं हम आपके ऊपर कार्रवाई करेंगे, आपने इसको मारा है, इसकी टांग तोड़ी है, जबकि उसके ऊपर कुछ नहीं हुआ उस लड़के को। वो लड़का कह रहा है मेरे को कुछ नहीं हुआ। क्या नाम बता रहे हो आप पुलिसकर्मी का? महेंद्र सिंह है पुलिस वाले का। लेकिन जैसे ही हमने पुलिस को फोन किया, पुलिस का रोटा हमारे पे वो हावी हो गए पब्लिक पे, लेकिन पुलिस प्रशासन ने हमारे ऊपर कार्रवाई करने की हावी हुए, वो हमारे पे गंभीर हुए कि हम आपके ऊपर कार्रवाई करेंगे। हालांकि जो चोर था वो दीवार से कूदा था, लेकिन पुलिस का कहना था कि आपने इसे पाइपों से मारा है, हालांकि पब्लिक ने उसे कुछ भी हाथ भी नहीं लगाया। हम इस बात के इंतजार में थे कि पुलिस आएगी और कार्रवाई करेगी, पूरी पब्लिक प्रशासन उस गली में, हम अध्यापक लोग हैं, पढ़े लिखे हैं, बनियों का मोहल्ला है, ऐसी कार्रवाई से हम पुलिस के प्रशासन से बिल्कुल भी नाखुश हैं और हम SP आपसे गुहार करते हैं और ये सभी से निवेदन करते हैं कि इस मामले को गंभीरता से लेते हुए उचित कार्रवाई की। वहीं जब इस मामले में DSP धर्मवीर पुनिया से बात की गई तो उन्होंने बताया कि मोहल्ला वासियों ने चोर को पकड़ा था जिसको मोहल्ला के रिपीट चोर को पकड़ा था जिसको मोहल्ले के लोगों द्वारा थप्पड़ मारे गए थे। चोर का मेडिकल करवाया गया है, लेकिन ज्यादा चोट सामने नहीं आई है। फिलहाल पुलिस ने चोरी के मामले में आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है, बाकी मामले की जांच की जा रही है। निकल दो मोहल्ला सनोप सिग्गल है, रोडा टिब्बा कॉलोनी रहने वाला है। कल थाने में इसने अपनी परिवार दी थी, इसके जो पुराना मकान है वो सामान ने मकान में शिफ्ट कर दिया था, तो जब सामान लेने गया तो उसका मकान जो पुराना मकान था उसके ताले टूटे हुए थे और मोटरसाइकिल बाहर गिरा था और अंदर लड़का था। इस संबंध में कंप्लेंट प्राप्त हुई थी जो मुकदमा दर्ज कर दिया गया था। और जो एक लड़का है करण कुमार है, जो पंजाब बोहा का रहने वाला है, तो इसने पुलिस को पेश किया था उसको, तो इसका तो मेडिकल करवाया है। बाकी थप्पड़ मौके आने दौरान मेडिकल कोई खास चोट नहीं मिली। तो मार पिटाई भी करी इससे? पब्लिक ने मार पिटाई करी, लेकिन वो मेडिकल में कोई खास रिपोर्ट वो नहीं है, इंजरी वगैरह नहीं ज़्यादा, और आज इसको पेश करके डिमांड हासिल किया।